नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे किशोर मंच के चैनल पर। और आज मैं आपका स्वागत करने वाला हमारे दूसरे सेशन में। और आज का जो दूसरा सेशन है वो आर्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे साथ जो मैडम इस वक्त जुड़ी हुई हैं वो HOD हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स डिपार्टमेंट की। और जब आर्ट की बात आती है, क्राफ्ट की बात आती है, तो क्रिएटिविटी उसमें कहीं छिपी हुई होती है। और स्वयं प्रभा चैनल नंबर 31 पर और NCERT के ऑफिशियल चैनल पर आप इस वक्त हमारा इस सेशन का प्रसारण देख रहे हैं, और इसमें लाइव आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ये और भी बढ़िया सेशन हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो टोल फ्री नंबर्स हैं उनके ज़रिए भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1-1800-111-265, और इसके अलावा दूसरा नंबर है 1-800-112-199। और इसके अलावा हमारा ईमेल आईडी भी है, जिसके ज़रिए आप अपने सुझाव या अपने प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है cieet.kishormanch@gmail.com। तो आइए अब स्वागत करते हैं अपनी गेस्ट का। डॉक्टर सुचिता राउत हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। जैसा आज का विषय है हमारा आर्ट एडुकेशन एंड विजुअल आर्ट्स, और इसमें आज हम बात करने वाले हैं पर्सपेक्टिव की। तो ये पर्सपेक्टिव क्या होता है, मतलब ये हमारी स्मृति में कुछ एक छाया बनी हुई है, उसको हमें उकेरना है कागज पर, या किस प्रकार से? क्योंकि आर्ट एक ऐसा अथाह सागर है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और मुझे लगता है क्रिएटिविटी की जो अपार संभावनाएं इस क्षेत्र में मुझे दिखाई देती हैं या मालूम पड़ती हैं, वो लगभग किसी और में नहीं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। जी, जैसा कि राहुल जी अभी आपने बोला कि आपकी स्मृति में कुछ छाया रहती है, उसको हमको ड्रॉ करना है, ये उस तरह से नहीं है। पर्सपेक्टिव में जो चीजें हम लोग देखते हैं, जो हमें सामने दिख रहा है, उसको हमको अपने धरातल पे, जो भी हमारे पास शीट या कैनवास जो भी है, उसके ऊपर ड्रॉ करना होता है। तो जनरली जहां तक पर्सपेक्टिव का मतलब है, तो हम लैंडस्केप और स्टिल लाइफ, जो कि हम सामने देख रहे हैं आंखों से, उसे हमें अपने चित्र पे उकेरना है। जी, हम आज बात करेंगे पर्सपेक्टिव की। और बच्चों ने अभी तक स्टिल लाइफ, नेचर स्टडी और ह्यूमन फिगर आदि काफी सारे सेशंस अटेंड किए हैं, तो यहाँ थोड़ा सा जो है टेक्निकल चीजें जो है बच्चों को बतानी है कि इन सब को बनाने के लिए, या जब वो रियलिस्टिक पेंटिंग कर रहे हैं, रियलिस्टिक ड्राइंग कर रहे हैं, तो उन्हें पर्सपेक्टिव के द्वारा कौन कौन सी चीजें उनको ध्यान रखनी है कि जिससे उनका जो पिक्चर जो बना रहे हैं, वो रियलिस्टिक पिक्चर जो बना रहे हैं, उसमें एक्यूरेसी आ सके। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जैसा मैं दरअसल कुछ बड़े बच्चों की बात करने लगा, मुझे याद, ये मैं अभी मैं मुझे आपने ये एक तरह से याद दिला दिया, आपने रिमाइंड कराया कि सेकेंडरी का सेशन है, जो बड़े कलाकार होते हैं उनकी तरह से भी कुछ इस तरीके से कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि हमारे सामने जो है, जो भी हमारे को दिखाई दे रहा है, उसको कैसे उकेरना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अब आप इस सेशन को आगे बढ़ाएं और हम सबको बताएं कि कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। जी, सबसे पहले मैं एग्जांपल दूंगी कि जब हम रेलवे ट्रैक पर खड़े होते हैं, तो रेलवे ट्रैक पर जब हम खड़े रहते हैं, तो हमें रेल की जो दोनों पटरियां हैं वो आपस में एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देती है। जी, तो बच्चों ने भी इस चीज को अनुभव किया होगा कि रेलवे ट्रैक जब हम लोग देखते हैं सामने से बिल्कुल स्ट्रेट, हम बीच में अगर खड़े होते हैं या कोई पिक्चर देख रहे हैं हम रेलवे ट्रैक का, तो वो एक पॉइंट पे जाकर मिलता हुआ दिखाई देता है। पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है कि रेलवे ट्रैक आगे जाकर मिल जाए, वो एक हमारा दृष्टि भ्रम है। और इसी चीज को हमको, जब हमारे पास जो सतह है वो टू डायमेंशनल होती है, जिसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, चाहे वो कैनवास हो या कागज हो, लंबाई और चौड़ाई ये दो चीजें होती है, इट मीन्स वो टू डायमेंशनल होता है। बट जब हम नेचर के या जो भी ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं, प्रायः उनमें जो है वो थ्री डायमेंशनल होते हैं। तो यही टू डायमेंशनल पर हमें थ्री डायमेंशनल को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये हम आज बच्चों को बताएंगे। और नेचुरली जब हम कोई चीज को एकदम पूरी होल जब हम देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट काम है, बट जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो जो ये है उस पर पहुंचना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो जनरली जब भी मैं बच्चों से पर्सपेक्टिव की बात करती हूँ, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि मैडम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो मैं आज उनको बताऊंगी कि कैसे वो स्टेप बाय स्टेप इस चीज को पहले समझ ले
क्योंकि इसकी समझ होना बहुत जरूरी है कि हम किसी चीज को जब देख रहे हैं और हर हर एंगल से चीज जो है वो हमें डिफरेंट दिखाई देती है। अगर हम एक बॉक्स ले लें, जैसे हमारा चाय का एक डिब्बा रहता है, तो उस डिब्बे की अलग अलग सतहें होती हैं, चार सतहें होती हैं, एक ऊपर होती है, एक नीचे होती है, ऐसे पूरे छह उसमें सतहें होती हैं। तो जब हम उसको अलग अलग एंगल पे रखते हैं तो उसका ड्राइंग जो है वो डिफरेंट बनता है, क्योंकि अगर हम सामने से देख रहे हैं तो हमें सिर्फ उसकी एक ही सतह दिखाई दे रही है या ऊपर का भी पोर्शन दिखाई दे रहा है। अगर हम उसको अलग एंगल से देख रहे हैं तो हो सकता है उसकी दोनों साइड दिखाई दे रही हूँ, या वो अगर आई लेवल के नीचे रखा हुआ है तो वो अलग दिखाई देगा, आई लेवल के ऊपर रखा हुआ है तो वो अलग दिखाई देगा। तो यहाँ दो चीजें समझने की है कि एक तो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है और हम उसको किस एंगल से देख रहे हैं जी। तो इस चीज को ध्यान रखें कि जब वो स्टिल लाइफ बना रहे हैं या लैंडस्केप बना रहे हैं तो उन्हें अपना एंगल और सामने का जो ऑब्जेक्ट है या जो लैंडस्केप है उसका एंगल उनको समझना बहुत जरूरी है। तो कुछ यहाँ टेक्निकल टर्म्स हैं जो पहले मैं बताना चाहूंगी बच्चों को कि जैसे सबसे पहले होता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है क्षितिज रेखा, मीन्स जहां पर ग्राउंड और स्काई दोनों जहां पर मिलते हैं उसको हम क्षितिज रेखा कहते हैं जी। और इसको हम आई लेवल भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारा लेवल होता है जिस जगह से हम देख रहे हैं वो पिक्चर में सेंटर में भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है। इट्स डिपेंड अगेन, इट इज डिपेंड अपॉन कि हम किस एंगल से देख रहे हैं। अगर हम हाइट से देख रहे हैं तो हमारा जो क्षितिज रेखा वो नीचे होगी, और अगर हम नीचे से देख रहे हैं तो हमारी क्षितिज रेखा ऊपर होगी। या तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन की बात हुई। अब हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद हम बात करते हैं वैनिशिंग पॉइंट की। द वैनिशिंग पॉइंट इज द प्लेस वेयर द पैरेलल लाइंस अपीयर टू कम टुगेदर इन अ डिस्टेंस। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, अगर हम उसकी पैरेलल लाइंस जो हैं उनको हम आगे बढ़ाते हैं तो क्षितिज रेखा पर जाकर ये जो है लाइंस जो है मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे कि मैंने अभी रेलवे ट्रैक का एग्जांपल दिया आपको कि रेलवे ट्रैक में एक पॉइंट पर हमको दोनों जो पटरियां हैं वो मिलती हुई दिखाई देती हैं, तो वो जो जिस पॉइंट पे मिल रही हैं वो कहलाता है वैनिशिंग पॉइंट जी। जैसे ये एग्जाम्पल, इस चित्र से बच्चे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज को कि रेलवे ट्रैक है और वो एक पॉइंट पे जाकर मिल रहा है, और एक्चुअल ऐसा होता नहीं है, बट जब हम किसी पिक्चर को देखते हैं या किसी व्यू को देखते हैं तो हमें चीजें जो है डिस्टेंस पे जाके छोटी होती हैं या जो एक पॉइंट पे वो मिलती हुई दिखाई देती हैं। अभी मैं बात कर रही थी कि हमारा एंगल, अब ये एक राउंड डिब्बी है, बॉक्स है, इसको जब हम आई लेवल से देख रहे हैं तो इसकी पोजीशन क्या होगी, वो आप सेंटर वाला पोर्शन देख सकते हैं जहाँ आई लेवल लिखा हुआ है कि उसकी सिर्फ हमको उसका फ्रंट पोर्शन दिखाई दे रहा है। अगर हम बिलो लेवल जाते हैं तो हमें उसका टॉप भी दिखाई दे रहा है, हम और नीचे जाते हैं तो हमें उसका जो टॉप है वो और ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अगर हम आई लेवल के ऊपर इस बॉक्स को रखा हुआ हम देख रहे हैं तो उसका नीचे का बॉटम पोर्शन हमको दिखाई दे रहा है, और अगर हम उसको ऊपर ले जाते हैं तो हमको उसका ऊपर नीचे वाला पोर्शन और ज्यादा दिखाई देता है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल, अगर हम रूम में फैन लगा हुआ है, अगर हम नीचे से देखते हैं तो हमें फैन की पूरा के पूरा कंप्लीट राउंड उसका दिखाई देता है। तो ये जो है बच्चों को समझना बहुत जरूरी है कि आई लेवल क्या है, बिलो आई लेवल क्या है और अबव आई लेवल क्या है। तो जब हम ऑब्जेक्ट्स अरेंज कर रहे हैं कुछ ड्रॉ करने के लिए या हम कहीं बाहर बैठ के लैंडस्केप बना रहे हैं तो हमें ये आई लेवल की जानकारी होना बहुत जरूरी है जी। नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगी कि पर्सपेक्टिव जो है वो दो प्रकार का होता है, एक लीनियर पर्सपेक्टिव और दूसरा है एटमोस्फेरिक पर्सपेक्टिव जी, तो एरियल पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। तो लीनियर पर्सपेक्टिव जो है वो विथ लीनियर पर्सपेक्टिव डेप्थ इज अचीव्ड थ्रू लाइंस साइज एंड प्लेसमेंट ऑफ फॉर्म। जो भी हम फॉर्म बना रहे हैं
वो हमें लाइन के थ्रू हम उनको एक्सटेंड करते हैं, या लाइन वाले जो फॉर्म्स, लाइन से जो हम फॉर्म्स बनाते हैं वो लीनियर पर्सपेक्टिव में आते हैं. लीनियर पर्सपेक्टिव विच डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेप इन स्पेस. जो भी हमारा स्पेस है, जो भी हमारी सरफेस है, उसमें जो शेप्स हम बना रहे हैं वो लीनियर पर्सपेक्टिव के अंतर्गत आते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट 1, 2 और इवन 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, वी आर टॉकिंग अबाउट द लीनियर पर्सपेक्टिव. जैसा कि 1, 2 और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो मैं बात कर रही हूँ, अभी हमने बात की थी वैनिशिंग पॉइंट की. तो जैसे कि हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो है वो सारी जो रेखाएं मिल रही हैं वो एक वैनिशिंग पॉइंट है. तो वैसे ही ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग इसमें 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी होता है, 2 पॉइंट भी पर्सपेक्टिव होता है और 3 पॉइंट भी पर्सपेक्टिव होता है. द मोस्ट बेसिक रूल्स ऑफ लीनियर पर्सपेक्टिव इज दैट पैरेलल लाइंस अपीयर टू कन्वर्स एज दे रिसाइड इनटू डिस्टेंस. जैसे कि रेलवे ट्रैक या रोड साइड. रोड साइड का भी एग्जांपल मैं देना चाहूंगी, बच्चे इस चीज को जल्दी समझ पाएंगे. कि जैसे वो जो है हमें एक डिस्टेंस पे बहुत उनका जो दोनों पोल, दो पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो जो है वो कम होता जाता है. क्योंकि वही बात है यहाँ पर कि पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो जो चीजें हैं, जो पोल्स हैं, जो वो हमें एक पॉइंट पर मिलते हुए दिखाई देते हैं. रहते वो वर्टिकल है बट उनका डिस्टेंस जो है वो कम होता जाता है और पास के जो पोल्स हैं वो हमको क्लियर दिखाई देते हैं और जैसे जैसे हम डिस्टेंस पे जाते हैं वो पोल्स हमें छोटे और ब्लर दिखाई देते हैं. 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव जी. वन पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात वही है जैसे यहाँ पर एक बॉक्स के थ्रू मैंने बताना चाहा है कि एक बॉक्स हमारा सामने रखा हुआ है और जिसका जो फ्रंट लाइंस है, जो अगर आप सामने देखेंगे तो पैरेलल जो लाइंस है, हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है वो पैरेलल दिखाई दे रही है, बट उसकी जो साइड की लाइंस है वो जाकर एक पॉइंट पर मिल रही है. तो ये हो गया हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव. ठीक है जी. नेक्स्ट होगा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव. इन 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव द ऑब्जर्वर इज पोजिशंड सो ऑब्जेक्ट इन द ड्रॉइंग एंड पेंटिंग आर व्यूड फ्रॉम वन कॉर्नर. सो दिस क्रिएट टू सेट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल विच डिमिनिश वैनिशिंग पॉइंट एट द आउटर एजेस ऑफ द पिक्चर प्लान. तो यहाँ पर जो है हम पिक्चर के थ्रू दिखाना चाहूंगी कि जैसे हमने ऑब्जेक्ट्स की अगर पोजीशन चेंज की, पहले हम बिल्कुल सामने से देख रहे थे, अभी हमने उसका एक एंगल सामने रखा है. तो जब हम एक एंगल सामने रखते हैं तो ये जो है वैनिशिंग पॉइंट पर टू हॉरिजॉन्टल लाइन पर टू जो है वो वैनिशिंग पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि इनकी जो साइड की लाइन है वो जाकर जब हम इनको एक्सटेंड करते हैं तो ये जाकर हॉरिजॉन्टल लाइन पर मिलती हैं. तो इसमें हम ये कहलाता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव. यहां पर भी जैसे अगर हम किसी बिल्डिंग का ड्राइंग कर रहे हैं तो ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का एग्जांपल होगा कि हमने अगर उसको एक एंगल से देखा है. अगर हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो डिफरेंट होगा ड्रॉइंग और अगर हम एंगल से देख रहे हैं तो इनकी जो साइड लाइन्स है वो वैनिशिंग टू वैनिशिंग पॉइंट पर जाकर मिलती हैं. 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्रॉइंग. दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ पर्सपेक्टिव अनलाइक इन द 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव. जो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है उससे ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्योंकि इसमें जो है वैनिशिंग पॉइंट जो है वो 3 दिखाई देते हैं. इन 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव द ऑब्जर्वर इज लुकिंग अप और डाउन so that the verticals also converge on a vanishing point at the top or the bottom of the image. पिक्चर के थ्रू हम इसको देख समझना चाहेंगे. जैसे ये बॉक्स है तो यहाँ पर हमें 3 वैनिशिंग पॉइंट दिखाई दे रहे हैं.
क्योंकि इसके जो वर्टिकल लाइंस हैं वो भी एक पॉइंट पर जाकर मिल रही है, क्योंकि इसको हम बहुत टॉप व्यू से देख रहे हैं तो वर्टिकल लाइंस भी अंदर की तरफ वो भी अंदर की तरफ मर्ज हो जाएंगी और एक पॉइंट पर जाकर मिलती हुई दिखाई देंगी। तो जब हम किसी बड़ी बिल्डिंग का ड्राइंग कर रहे हैं या हम किसी गैलरी से खड़े होकर सामने की बिल्डिंग को देख रहे हैं तो हमें ये पोजीशन दिखाई देगी। जी, द बिगेस्ट डिफरेंट इन थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव इज दैट देयर आर थ्री वैनिशिंग पॉइंट्स, टू आर अलोंग द हॉरिजॉन्टल जस्ट लाइक टू पॉइंट, बट द थर्ड वैनिशिंग पॉइंट इज लोकेटेड इधर अबव द हॉरिजॉन्टल और below the horizon, depending on the area you intend to draw. मतलब अगर आप top के किसी building को draw कर रहे हैं जी, तो आपको तीन vanishing point दिखाई देंगे। या building ही की बात ना करें, suppose अगर आप एक chair पे बैठे हुए हैं और आपने बिल्कुल आपके सामने नीचे कोई आपने एक box या कोई एक pot रख लिया है, flower pot रख लिया है, तो आप देखेंगे कि उसमें जो ऊपर वाला जो portion है पॉट का जो माउथ है वो आपको पूरा राउंड दिखाई देगा क्योंकि आप उसको टॉप व्यू से देख रहे हैं। इसको हम बर्ड आई व्यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह बर्ड ऊपर से किसी चीज को देख रही है तो उसको कैसा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा या कैसा सीन दिखाई दे रहा होगा ये वो कहलाता है। और अगर हम बॉटम से देख रहे हैं उसको हम वर्म व्यू आइज भी बोल सकते हैं, जिसमें कि हम बिल्कुल ग्राउंड से देख रहे हैं तो हमें जो ऊपर जाती हुई चीजें हैं वो उसका जो वैनिशिंग पॉइंट होगा वो ऊपर की तरफ होगा, और उसमें जैसे बिल्डिंग्स बना रहे हैं आप या आप कोई ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं तो आपको उसमें जो वैनिशिंग पॉइंट है उसका थर्ड वैनिशिंग पॉइंट जो है वो टॉप पे दिखाई देगा। जैसे ये एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जिसमें एक बिल्डिंग है जिसको हम नीचे से देख के ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके जो फ्लोर्स देख रहे होंगे आप, अलग अलग फ्लोर जो है वो उनका डिस्टेंस कम होते जा रहा है और वो नैरो होते जा रहे हैं और इसीलिए उसका जो वैनिशिंग पॉइंट है वो ऊपर टॉप पे गया हुआ है। जी, ये एक और एग्जांपल है, इसमें भी वही है, बिल्डिंग जो है वो नीचे से देखी जा रही है और नीचे से देखने के बाद में उसके किस तरह से उसके जो फ्लोर है अलग अलग वो नैरो होते जा रहे हैं। जी, अब नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव। एरियल पर्सपेक्टिव भी इसको कहा जाता है। इसमें बेसिकली जो है कि टोन और कलर, ये दो चीजें जो है इनमें डिफरेंस आता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम कोई सीन देख रहे हैं तो जो पास के हमारे ट्री हैं जी, वो तो बहुत ज्यादा ब्राइट और क्लियर दिखाई देते हैं जी, परंतु जैसे जैसे हम डिस्टेंस पे देखते हैं तो वो ट्रीज जो हैं या पहाड़ियां जो हैं या मकान है जो भी बैकग्राउंड में है जी, वो बहुत धुंधला और कम दिखाई देता है, छोटे दिखाई तो उसमें क्लियरिटी उतनी नहीं होती है। तो ये जो है एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव या एरियल पर्सपेक्टिव कहलाता है, क्योंकि जैसे अगर नेचर के हिसाब से भी हम देखें तो जैसे एयर की भी लेयर होती है, उन लेयर की वजह से चीजें जो है वो हमको ब्लेंड दिखाई देने लगती है, बिल्कुल हल्की सी दिखाई देने लगती है। जैसे ये एक एग्जांपल है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो पास के ट्रीज हैं, ये पहाड़ी के ऊपर है, पहाड़ी के ऊपर से लिया गया पिक्चर है, पास के जो ट्री है वो थोड़े हमको क्लियर दिखाई दे रहे हैं और जैसे जैसे डिस्टेंस पे जा रहे हैं जो डिस्टेंस की पहाड़ियां हैं वो हल्की होते होते आसमान में मिक्स हो गई हैं जी, तो ये कहलाता है एरियल पर्सपेक्टिव। तो एरियल पर्सपेक्टिव कंबाइंस फोर की एलिमेंट्स टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ डेप्थ एंड डिस्टेंस इन अ लैंडस्केप। अब जब अगर हम लैंडस्केप बना रहे हैं तो हमें कौन कौन से की पॉइंट्स याद रखने हैं उसकी हम बात करते हैं। द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम स्मॉलर द फर्दर दे आर फ्रॉम ऑब्जर्वर। मतलब जो आपके जो हमें दिखाई दे रहा है, जो देखने वाला है, उसके पास के ऑब्जेक्ट्स जो है वो बड़े होंगे और जैसे जैसे हम दूरी पे देखेंगे वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो छोटे होते जाएंगे। द डिटेल ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिक्रीज द फर्दर दे आर फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जो
पास के ऑब्जेक्ट है उनकी डिटेलिंग्स हमें ज्यादा दिखाई देगी और दूर के ऑब्जेक्ट्स की डिटेलिंग्स जो है वो कम होती जाएंगी। जैसे सपोज हम एक बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो जो हमारे पास की बिल्डिंग है उसके डोर, विंडो, वॉल का कलर, ये सारी चीजें जो है हमें बहुत क्लियर दिखाई देगा, और जैसे जैसे दूर की बिल्डिंग्स होंगी उनकी डिटेलिंग्स हमको कम दिखाई देगी। जी, द टोन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वीकन द फर्दर दे आर फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जो टोन है, कलर का टोन है, वो भी हमको पीछे जैसे जैसे जाएंगे हम वो धुंधला होता जाएगा। द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट बिगन टू फेड द फर्दर दे आर फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो जो देखने वाला है उसके पास में जो चीजें होंगी उसके कलर बहुत ब्राइट दिखाई देंगे, और जो डिस्टेंस पे होंगे वो जो है वो डल दिखाई देंगे। तो ये चीजें बच्चों को बहुत ध्यान रखनी है कि जब वो लैंडस्केप बना रहे हैं या स्टिल लाइफ बना रहे हैं, तो इन चीजों को उनको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, क्योंकि जब हम बहुत ध्यान से इन चीजों को देखेंगे तभी हम इनको समझ पाएंगे और हम अपने चित्रों में इसको बना पाएंगे। जी, ये ऐसा करने से जरूर आप अपनी एकाग्रता को एक साथ समेकित कर पाएंगे। मुझे लगता है कि आर्ट का ये जो विषय जो मैम हम सब के साथ साझा कर रही हैं, उससे ये एक लाभ जरूर बढ़ सकता है, प्रॉफिट जरूर होगा बच्चों को, और आगे देखते हैं कि कैसे आर्ट को और कितना बेहतर तरीके से जाना जा सकता है। जी मैम, हाँ, यहाँ पर मैंने कुछ अपने स्टूडेंट्स और अपने कुछ आर्टिस्ट के पिक्चर्स यहाँ पर एग्जांपल मैंने डाले हैं यहाँ पर जी। तो बच्चे इनसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ये एक लैंडस्केप है जो बहुत पास से लिया गया है, सामने इसमें पेड़ है और पीछे कुछ झोपड़ियां या घर दिखाई दे रहे हैं जी। तो जब बच्चे लैंडस्केप बनाने बैठे तो इन चीजों को ध्यान रखें कि कौन सी चीज इनके पास है और कौन सी चीज इसको ओवरलैप कर रही है। जैसे कि एक जो घर है, एक जो झोपड़ी बनी हुई है, वो पेड़ के बहुत पीछे छिप गई है, परंतु उसका भी पर्सपेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए। क्योंकि वहां अगर हम ये सोचेंगे कि हम मतलब ये छुप गया है तो हम इसको कैसे भी बना दे, तो वो आपका चित्र जो है वो पूरा रियलिस्टिक लुक नहीं देगा जी। तो जैसे पहली वाली जो सामने वाली हट है उसमें आपको फ्रंट वॉल दिखाई दे रही है और साइड वॉल जो है वो छोटी हो गई है। उसी तरह से उसका शेड अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो शेड की भी जो लाइंस है, जो पैरेलल लाइंस है, वो आगे जाकर अगर हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देंगी जी। और ट्रीज में भी देखें तो अगर सामने वाला ट्री है वो ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है, और पीछे का ट्री जो है वो छोटा दिखाई दे रहा है जी। तो ऐसे मैं चाहूंगी कि बच्चे छोटे छोटे स्केच बनाते रहें, जिससे उनकी ये पर्सपेक्टिव की समझ डेवलप होती रहेगी जी। उनके आसपास जो भी उनको सीन दिखाई दे रहे हैं उसको वो देख के बना सकते हैं। ये दूसरा व्यू है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो रोड बनाई है वो रोड सामने की तरफ चौड़ी है, और जैसे जैसे वो डिस्टेंस पे जा रही है वो रोड जो है नैरो हो गई है। इसी तरह घर बनाए हुए हैं, झोपड़ियां बनी हुई हैं, ट्रीज बने हुए हैं, तो ये सारी चीजें जो है बच्चे जब तक खुद ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक उनके लिए समझना इन चीजों को थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा जी। ये कुछ मेरे स्टूडेंट्स के ही स्केचेस हैं जो उन्होंने बना के मेरे को भेजे थे जी। तो ये जैसे इसमें भी देखिए कि अब इसमें हॉराइजन लाइन जो है वो बहुत नीचे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो चित्र बनाया गया है ये थोड़ा सा टॉप व्यू से लिया गया है और डिस्टेंस पे इसमें घर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी जो सरफेस है उसमें बहुत नीचे की तरफ दिखाई देगी जी। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो कोई पहाड़ पर खड़ा है और उसके सामने पेड़ है और फिर नीचे शायद थोड़े नीचे की ओर जो है झोपड़ियां बनी हुई हैं। जी जी जी, ये भी एक स्टूडेंट ने अपने घर के आसपास का जो भी सीन उसके रहा होगा वो उसने ड्रॉ किया है जी। और काफी पर्सपेक्टिव का उसने इसमें ध्यान रखा हुआ है कि जैसे आप देख रहे हैं कि जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जो हमारे पास का एरिया है, जैसे रोड साइड भी देखे तो रोड भी पास में चौड़ी है और डिस्टेंस पे जाके नैरो हो गई है जी। जी, और बिल्डिंग की हाइट्स भी डिफरेंट है,
जो कि बहुत अच्छे से बच्चे ने डिपिक्ट की है जी। और विंडोज को भी अगर हम देखें जो फर्स्ट वॉल पर विंडोज हैं और उनको भी अगर देखें तो वो भी उनके भी साइज हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस पे गए हैं विंडोज के साइज जो है वो छोटे होते जा रहे हैं जी। और जो घरों के पीछे पेड़ लगे हुए हैं वो भी उस तरीके से मतलब पर्सपेक्टिव है कि वो पेड़ लगे हुए हैं और ऊंचाई पर है काफी जी, ऊंचाई पर है और काफी डिस्टेंस पे है। जो रोड के सामने जो ट्रीज है बनाने की कोशिश की है बच्चे ने वो बहुत डिस्टेंस पे है तो उनका कलर भी बहुत लाइट बताया है जी। ये एक आर्टिस्ट का पेंटिंग है तो इसमें तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक्सपर्ट हैंड है तो पर्सपेक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और बहुत अच्छे से इसमें डिपिक्ट किया गया है। और अगर आप पीछे वाला जो घर बना हुआ है वो डबल स्टोरी दिखाई दे रहा है तो उसमें अगर आप देखेंगे तो शेड का जो पोर्शन है शेड में नीचे का अंदर का पोर्शन भी हमको दिखाई दे रहा है क्योंकि इसको नीचे से देखा गया है तो उसका जो बॉटम पार्ट है वो दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने अभी एक फैन का एग्जाम्पल दिया था कि जैसे फैन ऊपर नीचे से हम देखते हैं तो कैसे उसका टॉप वो बॉटम पूरा दिखाई देता है, उसी तरह से इसमें शेड भी हमको दिखाई दे रहा है कि जिसका बॉटम पार्ट दिखाई दे रहा है जी। ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो ये भी एक बच्चे ने ड्रॉ किए हैं, दो अलग अलग बॉक्सेस हैं और एक छोटा एक बड़ा है तो कौन सा बॉक्स आगे है कौन सा पीछे है ये आप देख सकते हैं। और इसमें भी जो है एंगल जो है सामने है इसलिए बॉक्स के दोनों पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं और जो दोनों साइड की जो लाइंस हैं पैरेलल लाइंस हैं उनको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो वो हमको एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देंगी जी। क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन है जो पर्सपेक्टिव की हम बात कर रहे हैं लाइंस की कि हर ऑब्जेक्ट्स में हमने उसको ड्रॉ नहीं किया है। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताए थे एग्जांपल्स उसमें हमने उसको डॉटेड लाइन के थ्रू ड्रॉ करके बताया था, यहाँ पर हमने उनको ड्रॉ नहीं किया है बट इमेजिनरी लाइन है। अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो ये जो लाइन्स हैं वो आगे जाकर एक पॉइंट पर जरूर मिलेंगे, इंटरसेक्ट जरूर करेंगे जैसा आपने एग्जांपल शेयर किया था हमारे साथ जी जी। ये भी ऑब्जेक्ट्स हैं और इस तरह से बच्चे जो घर में अवेलेबल हैं वही चीजें मैंने बताने की कोशिश की है यहाँ पर कि जो इजीली बच्चा अगर प्रैक्टिस करना चाहता है तो ये सब चीजें इजीली अवेलेबल होंगी और वो इन चीजों की स्टडी आराम से कर सकता है जी। तो ये सारे पिक्चर्स तो हमने देख लिए, अब मैं बच्चों से ये बोलना चाहूंगी कि वो पर्सपेक्टिव के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अपने सामने रखें और उनको ड्रॉ करें उनकी प्रैक्टिस करें और जो हमने अभी बातें बताई हैं वो सारी बातें जो हैं वो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए वो अपने ड्राइंग्स बनाएं और फिर उनमें कलर करें क्योंकि कलरिंग जो एटमॉस्फेरिक हम बात कर रहे थे या एरियल पर्सपेक्टिव की बात कर रहे थे जी, तो उसमें कलर की अलग अलग टोनल वैल्यू जो है वो बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे जो उनको स्टिल लाइफ में भी और प्लस लैंडस्केप पेंटिंग में भी उनके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा जी। जो बच्चे आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं जी, मैं उनको जरूर बताना चाहूंगी जिनको इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है आर्किटेक्चर फील्ड में वो बच्चे जो है इन चीजों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें क्योंकि जो इनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जी, उन एग्जाम्स में पर्सपेक्टिव का बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। तो अभी जैसे हम 9th-10th के बच्चों की बात कर रहे हैं अब उनके पास वक्त है कि वो अच्छे से पर्सपेक्टिव को समझ सकते हैं क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं जो इनके एग्जाम्स जो होते हैं यूसीड या एनआईडी निफ्ट के जो एग्जाम्स होते हैं पर्सपेक्टिव को लेके बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जी कि जैसे इमेजिन कीजिए कि आप एक मक्खी है या आप एक इंसेक्ट है जी, और पिज्जा का बॉक्स है, पिज्जा बॉक्स में खुला हुआ है और उसमें से एक स्लाइस जो है वो निकाली हुई है और आप उस पिज्जा बॉक्स के एज पे बैठे हुए हैं तो आपको पिज्जा कैसा दिखाई देगा
ये आपको ड्रॉ करना है। तो ये जो इमेजिनेशन है ये तभी बच्चे कर सकते हैं जब उनको पर्सपेक्टिव की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो। जी जी। क्योंकि पिज्जा का शेप, फिर उसमें उसका जो स्लाइड्स निकला हुआ है तो वहां पर वो कैसा दिखाई देगा, ऑब्जर्वेशन, डेफिनेटली ऑब्जर्वेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, पर यहाँ पर पर्सपेक्टिव बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे को एक अलग तरीके से, एक अलग नजरिए से ऑब्जेक्ट को देखना है। जी। और उसमें ऐसे जो, ही एक और जो क्वेश्चन आपने बताया वो वाकई में इसलिए भी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि आप एक इंसेक्ट हैं और आप एक एज पर बैठे हुए हैं, बॉक्स खुला हुआ है, तो कितना क्लोज आप एक तरीके से उसको देख रहे हैं और जो किनारा होगा वो बहुत दूर दिखाई दे रहा होगा। तो वाकई में पर्सपेक्टिव का जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा इस क्वेश्चन में। जी हाँ, एक क्वेश्चन और शेयर करना चाहूंगी कि आप एक इंसेक्ट है और ग्रोसरी के शॉप में आप एक बल्ब के ऊपर बैठे हुए हैं। जी। तो आपको इमेजिन करना है कि ग्रोसरी की शॉप आपको कैसी दिखाई दे रही है, नीचे किस तरह से सामान रखा हुआ है, बोरों में भरा हुआ है या बोरे खुले हुए हैं, और अगर बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस खुले हुए हैं तो कैसे सामान दिखाई दे रहा है। जी। तो यहाँ पे भी वही है कि पर्सपेक्टिव और आपका ऑब्जर्वेशन, मतलब एक अलग एंगल से आपको वहां पर डिपिक्ट करना है। तो जो बच्चे आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनको तो ये प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत वास्ट है। जी। और इसमें बहुत डिटेलिंग की, बहुत ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, जो हम छोटी छोटी चीजों से लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और घर में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रखकर हम अलग अलग एंगल से रखकर भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमारा एक चाय का कप है, चाय के कप को भी अगर हम अलग अलग एंगल से रखते हैं तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे अगर हमने आई लेवल पर एकदम स्ट्रेट रखा तो वो हमको एक रेक्टेंगल फॉर्म में दिखाई देगा। अगर हम उसको आई लेवल से नीचे रख रहे हैं तो उसका जो माउथ है उसका हमको राउंडनेस उसकी दिखाई देगी। अगर हम उसको आई लेवल से ऊपर रखते हैं तो हमें उसका जो ऊपर का राउंडनेस है वो नहीं दिखाई देगा, और नीचे की एज जो है वो भी हमें राउंड दिखाई देगी बट अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगी। तो ये सारी चीजें जो है बच्चों को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और अभी जैसे कि बच्चे मोस्टली घर पर हैं तो वो अपनी छत पर खड़े होकर भी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, सामने की बालकनी में कैसे उनको व्यू दिखाई दे रहा है, या अपनी बालकनी में खड़े होकर अगर वो नीचे की तरफ देख रहे हैं सामने की बिल्डिंग में, क्योंकि डेफिनेटली आसपास घर हैं, सब कुछ है, तो ये सारी चीजें तो स्थिर चीजें हैं, तो ये तो कहीं जाएंगी नहीं अभी लॉकडाउन में। तो बच्चे इन चीजों से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब तो आपने, यानी आप जो कहना चाह रही हैं कि जो समय का सदुपयोग है वो बहुत बेहतर किया जा सकता है, और प्रैक्टिस करने के लिए एक माकूल समय आपके पास है, उपलब्ध है। और हम किसी भी विषय की बात करते हों, अभी हमने जो भी सेशंस पीछे किए हैं उन सब में एक बात अहम निकल कर आती है बच्चों के लिए खासकर, कि अभ्यास बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और आर्ट्स में भी जैसा भी मैम ने कहा कि आप प्रैक्टिस बहुत करें, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस जब आपके सामने आएंगे तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका जो एक प्रैक्टिस किया हुआ अनुभव है वही काम आने वाला है। और मैम आप जैसा बता रही थी, क्वेश्चंस आप शेयर कर रही थी, तो आप बताएं और आगे क्या प्रॉफिटेबिलिटी है इस का, स्कोप क्या है। एक चीज और मैं शेयर कर रही हूँ कि बच्चों की जो बहुत इंटरेस्ट की चीज है, और बच्चे आजकल वीडियो गेम बहुत खेलते हैं जिसमें कार रेसिंग और ये रेसिंग वाले बहुत सारे गेम्स रहते हैं। मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं देखे बट हाँ थोड़ा बहुत कभी देखे हैं मैंने। तो उसमें जो व्यू बताते हैं, जब रेसिंग हो रही है तो रोड पे गाड़ियां दौड़ रही हैं, तीन चार अलग अलग गाड़ियां दौड़ रही हैं, आपको अपनी गाड़ी को कंट्रोल करना है, तो बच्चे वो गेम खेलते समय भी उस गेम को बहुत अच्छे से देखेंगे तो उनको वहां पर भी पर्सपेक्टिव समझ में आएगा, क्योंकि वहां पर जो रोड साइड में डिफरेंट क्योंकि एनिमेटेड ये सारे गेम्स हैं तो उसमें ये सारी चीजें बड़ी ध्यान से बनाई जाती हैं, क्योंकि एक्सपर्ट लोग इन गेम्स को का डिजाइन करते हैं। तो बच्चों के लिए वो भी एक बहुत अच्छा स्रोत है एनिमेशन, इसको पर्सपेक्टिव को समझने के लिए, क्योंकि वो तो इसमें इन्वॉल्व है ही, वो देख ही रहे हैं कि क्या कौन से हर्डल्स उसमें आ रहे हैं, तो कौन किस एंगल पे वो हर्डल आ रहा है। तो जब गेम खेलते खेलते भी बच्चे ऑब्जर्वेशन का काम जरूर कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, और आप सही कह रही हैं कि और ये जो गेम्स जो बनाने वाले हैं, क्या पता इनमें से भी कोई जो डेवलपर हो उसकी किसी हेल्प की हो किसी व्यक्ति ने, और वो आर्ट्स के ही जो है फील्ड से रहे हो, तो मुझे लगता है कि एक और आपने उन्हें रास्ता बता दिया है कि वो क्या इस फील्ड में आगे बढ़कर कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था, कला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कोई उसका अंत नहीं है, कोई मतलब अथाह सागर है वो एक, और वहाँ से तमाम जो है अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए निकल सकती हैं। ये हमारे पास चंद मिनट बचे हैं इस सेशन में, मैं आपसे गुजारिश करूंगा मैम कि अगले 5 मिनट में आप इसको रैप अप करें और बताएं बच्चों को कि वो क्या क्या इस समय का सदुपयोग प्रैक्टिस में कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जैसे आपने स्केचेस दिखाए और संभावनाएं बताई, तो रिमार्क्स आपके। जी, जैसा कि राहुल जी अभी आपने बोला था प्रैक्टिस में मेन परफेक्ट, तो डेफिनेटली आर्ट में भी प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखती है। कुछ बच्चों में स्किल होती है, वो बहुत अच्छा ड्रॉ कर लेते हैं, बट कई बार वो मैंने देखा है कि जो बच्चे अच्छा ड्रॉ कर लेते हैं थोड़े से कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ठीक है हमें तो आता है बनाना, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आर्ट जो सब्जेक्ट है बहुत वास्ट है, आप जितनी प्रैक्टिस उसमें करते जाएंगे उसमें उतना परफेक्शन आता जाएगा, क्योंकि मैं नहीं मानती कि कभी भी कोई 100% आर्ट होती है, क्योंकि उसमें हमेशा गुंजाइश रहती है, आप कुछ भी बना लीजिए हमेशा उसमें उसको इम्प्रूव करने के लिए गुंजाइश आपके पास रहती है। तो जो जिन बच्चों के पास स्किल है, जो बहुत अच्छा ड्राइंग करते हैं या कलरिंग करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, तो वो इस ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें कि हम बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि बहुत इवन मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं भी इतने साल की टीचिंग के बाद भी मुझे आज जो भी मिलता है तो मैं उसको तुरंत ग्रहण करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि अरे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। तो बहुत संभावनाएं हैं कि बच्चे करते रहें, और अभी ये लॉकडाउन के पीरियड में और बच्चे घर में हैं तो डेफिनेटली उनके पास टाइम तो बहुत मिल जाता है, क्योंकि उनको कहीं बाहर आना जाना नहीं है, तो उस टाइम का वो यूज करते हुए हमेशा प्रैक्टिस करते रहें। और ये जरूरी नहीं है कि हमें बहुत अच्छा सा पेपर चाहिए या बहुत अच्छा मटेरियल चाहिए, प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी रफ पेपर यूज कर सकते हैं, इवन मैं तो कहती हूँ कि न्यूज पेपर भी लेके उसके ऊपर अगर आप पेन से ड्रॉइंग करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बराबर बनती रहे। ये ना सोचे कि हम जो एक पीस बना रहे हैं ये बिल्कुल मास्टर पीस होगा, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए हमको कुछ और नहीं देखने की जरूरत है, हमें सिर्फ जो संसाधन है उससे हम प्रैक्टिस करते जाएं। मैं हमेशा एक एग्जांपल जरूर देती हूँ, जैसे म्यूजिक में रियाज किया जाता है, सुबह उठ के भी रियाज करते हैं, शाम के समय अलग रियाज होते हैं म्यूजिक में, उसी तरह आर्ट में भी सुबह शाम रात दिन जब भी आपको समय मिले आप अपना हाथ चलाते रहिए, ड्रॉ करते रहिए, क्योंकि यही इसी ड्रॉइंग से ही आपके जो हैंड सेट हम कह सकते हैं कि आपका हाथ सेट हो जाएगा, आपका जो ऑब्जर्वेशन है, जो आप देख रहे हैं आसपास, उसको आप ड्रॉ करने में सक्षम हो पाएंगे। तो मेरा बच्चों से यही गुजारिश है कि आप रुकिए मत, चलते रहिए, क्योंकि चलना ही जिंदगी है और अभी हमको रुकना नहीं है, भले ही कोरोना आ जाए या कोई भी आ जाए, बट हमें आगे बढ़ना है। तो जिस भी फील्ड में आपको जाना है तो उसके लिए एक कॉन्सेंट्रेशन जरूरी है, और आर्ट हमें वो कॉन्सेंट्रेशन जरूर देता है। तो सभी बच्चों से गुजारिश है कि वो जैसा भी चाहे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको बहुत एक मास्टरपीस बनाना है, बट उनको प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि ये प्रैक्टिस उनको कॉन्सेंट्रेशन भी देगी जो उनके और सब्जेक्ट के लिए भी उपयोगी होगा, और डेफिनेटली एक अंदर से जो एक आनंद की अनुभूति होती है कुछ भी जब हम अपने हाथ से बनाते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो सकती है, अगर बच्चा एक कप चाय बनाता है और सब लोग तारीफ कर देते हैं तो भी उसको एक अंदर से खुशी होती है, तो उसी तरह से आर्ट से भी आप जो भी बनाएंगे आपको एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ ये मैंने अपने हाथ से बनाया है, मैंने खुद देख के बनाया है। कॉपी करना एक विधा हो, मतलब एक तरीका हो सकता है प्रैक्टिस करने के लिए, बट मैं कॉपी करने को ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगी कि आप किसी बुक में से देख के या किसी पिक्चर को देख के बना लीजिए, आप एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स को रखिए सामने और फिर बनाइए, वो आपकी सही प्रैक्टिस होगी। बिल्कुल, बहुत आपने उम्दा उदाहरण दिए, बिल्कुल जीवंत उदाहरण उनको मैं कहूंगा, और मेरे आसपास भी इस रूम में भी मैं यहाँ पर पर्सपेक्टिव मेरा डेवलप कर दिया है आपने, कि जो ऑब्जेक्ट्स दूर है वो बहुत ज़्यादा छोटे दिखाई पड़ रहे हैं और जो नज़दीक में है वो बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं।
मुझे लगता है कि प्रैक्टिस पर आपने ज़्यादा जोर दिया है और प्रैक्टिस ही केवल एकमात्र ऐसा जरिया है जिसकी वजह से बच्चे इस आर्ट फॉर्म को, किसी भी तरीके की वो आर्ट करते हों, आर्ट बनाते हों, उसमें उन्हें लाभ ज़रूर होगा। और आपने एक बात कही कि जब आप खुद बनाएंगे तो जो आपको आनंद की अनुभूति होगी उसका कोई सानी नहीं, उसको शायद वर्णित करने के लिए शब्द भी कम पड़ जाएं। और ऐसा किया जा सकता है, और जैसे मैडम ने कहा कि लॉकडाउन चल रहा है, ये हमेशा नहीं रहने वाला है, बिल्कुल समय है, ज़रूर कटेगा और आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जा सकती हैं, यदि किसी की छत पर से, किसी के घर से कोई ऐसा रास्ता दिखाई देता हो जो पटा हुआ हो हमेशा सड़कों पर वाहनों से, और आज कोरोना के टाइम पर वहाँ कोई भी वाहन ना हो, तो आप वही एक पर्सपेक्टिव अपना बना सकते हैं, देख सकते हैं, उसको इमेजिन कर सकते हैं, जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा था। डॉक्टर सुचिता राउत, आपने हमें अपना अहम समय दिया और एक अच्छा सेशन हमारे साथ आपने साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी डॉक्टर सुचिता राउत, आप HOD हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट्स की, DPS नीलबाग भोपाल में। और हमारा अगला सेशन भी बहुत जल्द आने ही वाला है, कुछ ही मिनटों में, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं मत जाइएगा। ये सत्र यहीं समाप्त होता है, हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।